डॉग यानी के कुत्ता। कुत्ते को सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन कुत्ते से जुड़ी कई बातें आप नहीं जानते होंगे। जैसे क्या आपको पता है कि कुत्ते की पूंछ क्यों काटी जाती है? ये सुनने में थोड़ा खराब जरूर लग रहा है, लेकिन आपने कई कुत्तों को देखा होगा जिनकी पूंछ कटी हुई होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कुत्तों की पूंछ क्यों काटी जाती है। कुत्तों के लिए पूंछ बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो दूसरे कुत्तों के साथ इंसानों से संवाद यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, और बिना पूंछ के कुत्ते अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। साथ ही कुत्ते अपने पूंछ का इस्तेमाल दौड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए और तैरते समय भी करते हैं। कुत्ते की पूंछ काटी जाती है, और किसी भी जानवर की पूंछ काटने की प्रक्रिया को डॉगिंग कहा जाता है। इसके अलावा कुत्तों के कान भी काटे जाते हैं, जिसे क्रैपिंग कहा जाता है। कुत्तों की पूंछ काटने के पीछे कई कारण बताए गए हैं, जैसे कि कुत्तों की पीठ को मजबूत करने, उनकी गति बढ़ाने और चोट लगने से बचने के लिए कुत्तों की पूंछ काटा जाता है। लेकिन आधुनिक समय में इन्हें खूबसूरत बनाने के लिए भी ऐसा किया जाता था। इसके अलावा जो गार्ड कुत्ते होते हैं, उनके मामले में कोई हमलावर उनकी पूंछ को पकड़कर उसे खींच सकता है, और इसी वजह से पूंछ को काटा जाता था। प्राचीन रोम में कुत्तों की पूंछ काटी जाती थी, और ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि लोगों को लगता था कि पूंछ काटने से रेबीज का खतरा कम हो जाता है। हालांकि अब वैज्ञानिक ने यह साफ कर दिया है कि रेबीज का कुत्तों की पूंछ से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उनकी पूंछ उन्हें चोट से बचाने के लिए काटी जाती थी, क्योंकि दौड़ते समय पूंछ हिलाने से उन्हें चोट लग सकती है, इसलिए भी ऐसा किया जाता है। लेकिन कुत्तों की पूंछ काटने को लेकर कई देशों ने कानून भी बनाए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फिनलैंड में कुत्तों की पूंछ काटना गैरकानूनी है, लेकिन अफसोस भारत में इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।